तो ये लोग आ गए हैं, ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। मम्मी आ गई है हमारी ईदी लेकर। समरीन ब्यूटी पार्लर में यहाँ प्रेसिंग हो रही है बालों पे। मेरी एक झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद मुबारक हो। और मैंने बिल्कुल ही 6 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने अपना व्लॉग किया था एंड कुछ 4:30 बजे, और उसके बाद मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठ गई हूँ। अभी बिल्कुल अभी आँख खोली मैंने और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरी मेहंदी ये देख लो, जिसको मैंने अभी थोड़ा बहुत हटाया है। और अभी घर में सफाई चल रही है, मैं तो आँख भी नहीं सही से खुल पा रही है अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी मुझे सोना है थोड़ा सा। और पहले मैं आपको मिमसी और मकासा को दिखाती हूँ। गाइज, हमने बेडशीट चेंज कर ली है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और ये लग ना जाए। और मकासा को और गाइज यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे तेल, क्योंकि मुझे लग रहा है मेहंदी लगाने के बाद तेल लगाना चाहिए। मैंने लगाया भी था, वो हट गया था, तो अभी और लगा लेते हैं। देखो मैंने लगा लिया है ताकि मेरी मेहंदी का कलर और अच्छा आ जाए, तो मैंने लगा लिया है। पक्कू, ये मिमसी, ये मक्कू। और यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन खा रहा है, ये देखो, ये देखो, सुबह के 6 बजे, 7 बजे, क्योंकि मैंने लास्ट अब शाम के 7 या 8 बजे खाया है। ओके, तो चलो फिर हम खाना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले हम लोग खा रहे हैं छोले कचौरी। ये हमारी मेहंदी है, ये मुबारक बोलो। और यहाँ देखो कुछ लोग सो, और नमाज भी हो गई है गाइस। और यहाँ देखो कुछ सोते हुए लोग जो उठ ही नहीं रहे ईद के दिन भी। ईद मुबारक। गाइज यहाँ हो गई है लाइट्स बंद, और अब मैं चली थोड़ी देर की नैप लेने, क्योंकि यार मैं अच्छी खासी नींद अपनी पूरी करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी उठकर तैयार हो जाऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और मिमसू को हम लेकर आ गए हैं अपने रूम में, क्योंकि मिमसी ने मकासा को आज बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिला है। ये मिमसी की शिकायत लगी है मेरे पास। आओ मिमसू, क्यों लड़ती हो मक्कू से? कोई बात नहीं, इसको मैं सबक सिखाऊंगी, इसको थोड़ा सा मुझे सिखाना पड़ेगा। ये देखो बिस्किट देखकर भाग रही है। तो चलो यार, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ी सी, तो चलो मैं उठ के मिलती हूँ आपको। गाइस मैं उठ चुकी हूँ सोकर, और अभी मैं दिखाती हूँ कौन आया है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बकरीद। बकरीद मुबारक। नहीं जल्दी खोला आपने, आवाज नहीं आई थी? आवाज आई थी, मैंने सोचा तुम हो तो लेट से खोलूंगी। तो जवाब आया था लेकिन वो भी जा चुका है, लेकिन फिर से वो आएगा शाम को। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए, और मैं जा रही हूँ, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करने के लिए, और मुझे फिर उसके बाद अपनी हेयर स्टाइल करनी है। हेयर स्टाइल का तो कुछ सोचा ही नहीं है। उसके बाद मैं अभी आपको आउटफिट दिखा देती हूँ अपना, तो पहले मैं तैयार जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। चलो सबसे पहले अपनी स्किन प्रेप करते हैं और फिर करते हैं अपना मेकअप। तो गाइज मैंने कर लिया अपना बेस डन, लेकिन ये जो पाउडर और ये जो मैंने लिपस्टिक या कुछ भी लगाया ना, वो सब अभी कुछ नहीं किया मैंने, तो बस अभी इतना किया है। अब मैं जल्दी से जा रही हूँ चेंज करने, उसके बाद आधा जो भी बचा हुआ प्रोसेस है ना सब कुछ करूंगी। मुझे थोड़ा टाइम लग गया मेकअप करने में, क्योंकि यार टाइम तो उसमें लगता ही है। और देखो मैंने आई मेकअप ऐसा किया, वो मैं आपको अच्छे से बाद में दिखा दूंगी सारा कुछ। चलो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, और मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ जो कि है पिंक कलर का। ये देखो मेरा है ये आउटफिट आज के लिए, ये पिंक कलर का है, और मैं अभी इसको आपको पहनकर दिखाऊंगी ना, तभी पता चलेगा कि क्या है। और यहाँ है मिमसी जो कि अभी अभी उठ कर आई है। ये मेरे कपड़ों को पहले देख लीजिए कि सही है या नहीं है। गाइस तो मैंने अपनी हेयर स्टाइल नहीं बनाई, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊं, और मैंने मेकअप कर लिया अपना, और मैंने कपड़े भी पहन लिए अपने। अब मैं आपको कपड़े तो तभी दिखाऊंगी जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाल कर्ल करने अपने, और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आ रही है मेरे घर पे अभी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर हम लोग सोचे कहीं जाने का, तो चलेंगे अभी। और जवाद आ चुका है हमारे साथ, जवाद हाय बोलो। तो मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं ठीक ठाक लग रही हूँ। बता दो मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा पूरा लुक जो है वो आज का पिंक है। मैंने अपने कवर को भी चेंज करके ना,
पिंक कर दिया, ये देखो मैंने पिंक कवर भी कर लिया अपना, और ये है मेरा फुल आउटफिट, और ये चप्पल मेरी जो है ना ये मैच हो गई ऐसी, लेकिन मैंने ऐसी पहन रखा था घर की चप्पल है, तो बस देखो ये हो गया है मेरा पूरा फाइनल लुक। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ। देखो ये पैंट्स है नीचे और ये टॉप है और उसके ऊपर श्रग है ये। चलना कहाँ पर है? और यहाँ पर ये दूसरी लड़की जो है वो हील वील पहन कर तैयार है, बताओ। हील से चढ़ गई, वाह ये तो बच्चे को बिल्कुल तोड़ दिया होगा हाथ पैर। अब मैंने पहन ली अपनी हील्स। मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज बता रही हूँ। हील्स पहन ली, मेकअप कर लिया, बाहर जाने का सोच रहे हैं। मैं सोच कह रहे हैं जाऊंगी मैं तो भैया, मैं ईद पे बाहर नहीं जाती यार। ईद पे पहले तो हम लोग यार वहाँ थे, हटो यार अपने, बाल खराब कर दी मेरी। तो मैं तो पिछली बार तो अपने गाँव में थी, तो वहाँ तो क्या ही जाते यार गाँव में, तो चलो वो घर पे ईद अलग सी बनती है। तो फिर अभी इस बार मैं सोचू कि चलो यार कहीं चलते हैं। जवाब कह रहा है हुमायूं टॉम जाओ, लेकिन यार वहाँ तो गर्मी लग जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो वो है ना सुंदर नर्सरी, मेरा मन था वहाँ पे जाके फोटोज। नर्सरी मतलब वहाँ पे पार्क जैसे। हाँ मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करवा लेती तो अच्छा लगता, और मेरी मेहंदी देख ली थोड़ा। मैंने ना इसके टिप्स लगाना मैं भूल ही गई, और उसकी वजह से अब वो ऐसा ही दिख रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया। तो गाइस चलो मैं आपको अपनी दोस्तों से मिलवाती हूँ, मैं इनका ही वेट कर रही थी कब से, और कि ये लोग आए, और मैंने इनकी एंट्री क्लिप में ली है, वो दिखा देती हूँ पहले। वालेकुम अस्सलाम। तो ये लोग आ गए, ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, बकरीद मुबारक। ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्लू नहीं क्या कलर, ग्रे ब्लैक, ग्रे ब्लैक, वाइट, पिंक और ये नहीं पता मुझे कलर, कमेंट पे बता देना। पर्पल टाइप आ रहा है, पर्पल कलर कुछ भी कह सकते हैं, पर्पल कलर, और ये भी पर्पल, ये बच्चा। तो ये तुम लोग ट्विनिंग कर रहे हो? तो अब हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, अब हम लोग बताओ बताओ क्या करें, बाहर जाएं? बाहर से ये लोग आए इतनी गर्मी से बोल रहे हैं बाहर तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन यार लेकिन घर में भी क्या ही कर लेंगे। मेरा तो इतनी देर से मन करता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ बस और कहीं चली जाऊँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। समरीन ब्यूटी पार्लर में यहाँ प्रेसिंग हो रही है बालों पे, और ये शर्माने वाली लड़कियों का हाथ हम ऐसे हटाते हैं, मेकअप खराब कर दूंगी मैं सारा। और देखो इसकी उंगली में खीरा लटक रहा है, खीरा अब तो शीशे में तो दिख रहा है चेहरा। मास्क लगा रखा है इसने अपने हाथों से, ये देखो। भाई ये बंदा ये बकरीद मना रहा है BGMI में, ये देख लो बकरीद मना रहा है हाथों। बोलो क्या कर रही हो? मैं तो मना रही हूँ बकरीद। क्या बना रही हो? देखो हाँ तो यही तो काफी है गाइस। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए, और हमने 7 बजा दिए घर में इस लड़के की वजह से और इन दोनों की वजह से। ये दोनों कह रही थी कि अभी मुझे नहीं, अभी नहीं जाना, अभी गर्मी लग रही है, अभी गर्मी लग रही है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन लोगों के साथ फोटो ले रही थी मैं। तो फिर अब चलो कोई बात नहीं है, अब हम निकल रहे हैं, हम अपना दिन अच्छे से इंजॉय करें, खराब नहीं करें। शाम और अम्मी से मैं बोल देती हूँ अम्मी ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, गलती से ईद मुबारक निकलता। हाँ ईद मुबारक, तो चलो ईद ही दो और मम्मी को। हाँ ईद भी तो देनी है, चलो आएंगे ठीक है, घर आके हमें ईदी मिलेगी। अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। चलो 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 गाइस, हम आ चुके हैं कैब में। जवाब इधर देखो, इधर देखो, हम पहुंच चुके हैं सीपी। चलो उतरे, चलो हम आए हैं किसी कैफे में, और पता नहीं क्या है कैसा है यहाँ पे का। चलो अंदर चलते फिर देखते हैं। हाँ हमें सीट भी मिल गई है गाइस, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। चलो हमें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि हम गलत जगह आ गए। चलो हम लोग ना गलत जगह चले गए थे जहाँ हमें नहीं जाना था, और उसके बाद हमें याद आता है कि हमें वहाँ नहीं जाना था। एक तो हम इन कपड़ों में बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ जाना है हमें। जवाब किधर आए हम लोग? अब 0 डिग्री क्योंकि हमें और जगह है, बहुत ट्रैफिक है यार, पीछे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि हमें और जगह कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग आ गए 0 डिग्री। और इतने तैयार होकर हम लोग आए ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होगा हमारे जितना तैयार। 0 डिग्री कोई बात नहीं, हम तैयार होंगे। 0 लोगों के लिए 0 डिग्री। चलो गाइस मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, गाना चल रहा है, गाना यहाँ पे गाना चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मेरे लिए गाना बंद हुआ है अभी, अब मैं बोल रही हूँ स्पीकर फट गया।
बहन डर गई, बहन डर गई, मर गए। चुके हैं बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं घर और फिर मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी जो भी कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बिल्कुल भी नहीं ली है, तो अभी मुझे लेनी है और बिल्कुल भी नहीं लिए, कहाँ लिए, बिल्कुल भी नहीं, झूठी और जो है सब साथ में मेरे, किसने मेरी एक झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, इसने उल्टा हमारी पिक्चर आई है, हमारी तो मैं खुद खींच रही थी बैठ कर, झूठ बोल रही है, साथ में लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फोटो दी हम दोनों ने, मजा भी हमने एंजॉय भी हमने बहुत किया, सीटी आपको शायद बहुत मजा आया है, सच्ची बहुत ज्यादा, जवाब तुम्हें क्या मजा आया, बहुत मजा आया। तो हम लोग आ चुके हैं घर और अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, मैं सबसे पहले अपनी फोटोज लूंगी और रील्स बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम, ये बहुत जरूरी काम है जो कि मैंने किया नहीं, क्योंकि यार मैं एंजॉयमेंट में लग गई थी और बाहर जाकर तो पता चलता नहीं है किसी चीज का टाइम का, किसी भी चीज का, फोन चार्ज पे लगा रही हूँ जल्दी से, उसके बाद में आपको मिलती है जो हम खाना खाएंगे तब। तो गाइज यहाँ अम्मी आ गई है हमारी ईदी लेकर, यहाँ हम बच्चे बैठे हैं सारे, चलो पहले पाँच करोड़, अरे भाई एक करोड़ एक रुपए गाइस पूरे एक अरब रुपए का चेक है मेरे पास, अब दुनिया खरीदूंगी गाइस। अब ये लोग जा रहे हैं घर अपने और रात के 12 बज चुके हैं, हम लोग भी जा रहे हैं सब, मैं भी साथ चलूंगी गाइस। यहाँ पे हम सुन रहे हैं गाने और आज पूरी रात हमारे घर में गाने ही चलने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, हम पार्टी करने वाले हैं। गाना बंद हो गया, मैंने भी बोला था गाना चलेगा, ठीक कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तो अब फाइनली मैंने सारी रील्स और सब कुछ बना लिया, इतनी सारी कुछ भी नहीं बनाया मैंने, बस एक रील बनाई है और अभी कुछ भी नहीं बनाया, और बस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना सबसे पहले कि आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा, ये देख लूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज अब मैं आपको चेंज करने के बाद मिल रही हूँ और अब मुझे ना मतलब मैं अब बहुत थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, क्योंकि तैयार होने के लिए भी खड़ी थी और मैं ज्यादातर आज खड़ी रही हूँ, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप रिमूव करने और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं पहले ही ब्लॉग एंड करूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार आपको और भी चीजें दिखा देते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये होते हैं लड़कियों के बैक ट्रांसपेरेंट जिससे चोर को इजी हो कि चोर क्या ही ले जाएगा, मेकअप ले जाएगा, मैं तो मेकअप लेकर बाहर गई थी। तो यार आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं फिर से पूछूं, मुझे बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा था और मैं यहीं पर अपना ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं आगे ऐड कर दूंगी वरना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मुझे तो आज बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि मेरी ईद अलग गई थोड़ी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आई थी और मैं उनके साथ बाहर भी गई थी और फिर अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो मेरी पिक्चर्स देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, यहाँ पे आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।